अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल रशीद, मैं दानिश, और आज हम लोग आपसे बात करने वाले हैं सोशल बिजनेस पर। ओके, ऑन पॉइंट, इसी के बारे में बात करना है। मगर आप लोग ये बोलो मेरे को कि आप लोग की प्रॉब्लम क्या है। आखिर छोटा सा मास्क है, पहन लो, अपना नहीं तो नहीं, कम से कम अपने घर वालों का तो ख्याल करो। मैं भी रिसेंटली वीडियोस देखा था फेसबुक पे, रिपोर्टर्स पोस्ट कर रहे थे कि सोशल डिस्टेंस बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, स्पेशली हमारे यूथ हैदराबाद के। सोशल डिस्टेंस तो छोड़ दो भाई, मास्क नहीं पहन रहे, एक बात बोलो, शर्ट है, शर्ट के अंदर बनियान पहन रहे, पैंट है, पैंट के अंदर अंडरवेयर भी पहन रहे। ये छोटा सा मास्क ऐसा निकाले, एक इधर लगाए, एक इधर लगाए, हो गया। कितना मुश्किल है आखिर ये। हमारे हैदराबाद के जो यूथ है, लिटरली रात के 2-3 बजे जाके इतनी मेहनत करके सिगरेट के डब्बे ले खरीद रहे हैं, कम से ब्लैक में रहने दो, चाहे कुछ भी रहने दो, महंगे से महंगा सिगरेट। जो चीज हेल्थ को इफेक्ट कर रही वो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, डब्बों में से उठा लेते, जहां से बोले वहां से ले लेते, मगर मास्क इतनी इम्पोर्टेंट चीज है, वो भी तो खरीदो। अगर आप लोग मास्क नहीं पहने तो देखो क्या होता आप लोगों के साथ। चलो रशीद भाई, आप तो इन लोगों को बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, हाँ आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बिना मास्क पहने घर से नहीं निकलता हूँ, ठीक है। हाँ, घर वापस आते ही हैंड वॉश करके पूरा अच्छा मुंह धो लेता हूँ, कर लेता हूँ, मतलब अपनी पर्सनल सेफ्टी मैं कर लेता हूँ। और सबसे बड़ी चीज, किसी से हाथ नहीं मिला रहा हूँ, ऐसा ये नया स्टाइल, ये हाथ मिलाने का स्टाइल हो गया। कैसे था बताएंगे ऐसा, ये ऐसा हाथ मिला रहे हम लोग यहाँ पे। और दरवाजा में कैसा खोल रहे, ऐसा। तो अपन अपने प्रिकॉशंस ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, दिस इज सऊदी अरेबिया, और मैं जिन लोगों से बात करना चाह रहा हूँ, दे आर इन इंडिया। इंडिया की इतनी बुरी वाट लगने वाली है, फिलहाल ऑलरेडी लग गई। आइडिया है आपको कितने केसेस हो गए? 5 लाख के ऊपर ऑलरेडी केसेस हो गए। और इंडिया का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब है, यहाँ पे ट्रीटमेंट फ्री में हो रहा, आप इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पे तो मेरे को मालूम है, यहाँ की तो ट्रीटमेंट खैर चलो फ्री में हो रही, पर इंडिया में आपको मालूम है कितने खर्चे हो रहे। लिटरली पेशेंट को, किसी को कोरोना आ गया, वो तो 10 बार सोच रहा हूँ नहीं हॉस्पिटल जाने। हॉस्पिटल जाना सोचने की बात नहीं है दानिश, दे वांट टू गो, दे आर क्राइंग हॉस्पिटल जाने के लिए, मगर हॉस्पिटल एडमिट ही नहीं कर रहा पेशेंट्स को। वही तो मसला है ना हैदराबाद में। अगर कोई लकी है इनफ है कि आप एडमिट हो भी गए, तो आपका कम से कम 4.5 लाख का बिल बन रहा। अब आप लोग एक बात बोलो, आप लोग के पास है 4.5 लाख रुपए रखे हुए? अगर किसी के पास है भी, तो आप वो पैसे वेस्ट डालने के लिए, 4.5 लाख बचाने के लिए ये बेस्ट तरीका है। और थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, 4.5 लाख रुपए डालने से अच्छा आप खाली एक मास्क लियो, पहनते रहो बस। अच्छा एक बात मालूम, कौन फॉलो नहीं कर रहे मास्क पहनना सबसे ज्यादा? यंगस्टर्स। हाँ, अब वो यंगस्टर्स में मोस्टली ऐसे लोग आऊंगे जिनकी शादी नहीं हुई, शादी का सब नहीं होना बाबा आप लोगों को। हाँ, शादी की जिंदगी बहुत अच्छी रहती, तो जरा जब तक जिंदा रहो उसके बाद में वो बीवी बच्चे वो सब देखो, थोड़ा मेंटेन कर लो अपने सेफ्टी के लिए। ये सब चीजें दिल में सबकी ख्वाहिश होंगी ना, मरफे पे नाचना बोल के, धुले नाचना। एग्जैक्टली, कैसे भाई इतना मुश्किल है? इतने आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को, एंड वी आर बीइंग वेरी सीरियस। इसको हम लोग चाहते हुए भी इसको मजाक में नहीं ले सकते, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल है, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ कि सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने घर वालों को भी रिस्क में डालना। सही बात है। मैं आपकी मम्मी क्या करे, जरा सुनो, घर के बाहर 2 टब्स रख दिए, टब्स रख दिया और उसमें डेटॉल डाल के अंदर आने से पहले सबको हाथ धो के बोल रहे। एग्जैक्टली, मैं हमारे मम्मा को भी यही राय दिया कि घर में कोई भी घुस रहे बिना हाथ धोए और बिना जो है पैर धोए करे, साफ सुथरा हुए करे, किसी को भी घर में आने मत दो। आप लोग भी सेल्फिश हो जाओ खुदा के वास्ते, अपने लिए नहीं तो नहीं, अपनी फैमिली वालों के लिए प्लीज प्लीज फॉर गॉड से मास्क पहनो, लोगों से दूर रहो, और थोड़ा लोगों से दूर रहो, क्योंकि आपकी इतनी सारी लाइफ आप लोगों के करीब रह के गुजारे, अब थोड़ा सा दूर अगर नहीं रहे आप लोगों से तो हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं, ये बात याद रखो। हाँ, पॉइंट की बात करें आज। और ये भी सुनने में आ रहा है कि लाड़ बाजार और टोली चौकी के जितने भी बिजनेस ओनर्स है वो लोग अपना बिजनेस बंद रख रहे हैं, तो आप देखो कि वो लोग अगर उतना नुकसान उठाने के लिए तैयार है तो कितनी सीरियस है ये बीमारी। ये वायरस से बचने के लिए जितना हो सकता अपने को उतना केयरफुल और उतना घर में रहना है। सीएम केसीआर भी, मैं सुना कि 2 दिन के बाद और 15 दिन का लॉकडाउन अनाउंस करने वाले हैं, तो आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि ये लॉकडाउन को जो है ना स्ट्रिक्टली फॉलो करो। तो मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ, उसमें आप वो वीडियो में देखिए, बच्चा अपनी माँ को देखने तड़प रहा उसमें। एक बार दिखा दो मुझे मेरी बात दिखा दी।
तो जैसा आप ये वीडियो में देखे कि बच्चा कैसा तड़प रहा अपनी माँ को देखने, खुदा ना खास्ता कभी ना किसी को आपके तरफ आपके घर में या कोई आपके फैमिली वाले जो है लोगों को आ गया, तो आप चाह के भी उनको देख नहीं सकते। आप अपने आप को बच्चे की जगह पे रख के सोचो कि कितनी तकलीफ से मैं गुजर रहा हूँ उन्हें, और अगर खुदा ना खास्ता आप लोगों में से किसी एक को हो गया, क्या आप बर्दाश्त कर सकते हो तकलीफ? आखिरी बार देखने को भी जो है मौका नहीं मिल रहा आपको, तो प्लीज आप लोगों से हमारी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, जितने बार बोले उतने बार आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं हम लोग, प्लीज 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 सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। उम्मीद करते हैं जो बोलना चाह रहे हम ना वो आप लोगों के भेजे में घुस गया। थैंक यू नक्को बोलो, एक फिल्म का डायलॉग है देखो, थैंक यू नक्को बोलो, तीन जनों को आगे बढ़ा दो और उन लोगों को बोलो आगे तीन जनों को बढ़ाने के वास्ते। तो ये वीडियो जो है अगर आप लोगों को समझ में आ गए इसकी बात, तो आगे बढ़ाओ, लोगों को शेयर करो, शेयर नहीं भी करे तो नहीं करे, लोगों को एटलीस्ट बोलो कि दूर रहो, खरीब आ रहा ज्यादा कोई भी तो उसको दूर कर दो, दूर है भाई दूर है बोल के, सही है ना? सही है भाई। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, टेक केयर, स्टे सेफ, मा सलामा। फाइनली रे बाबा।